क्या हुआ, तलवार नहीं चाहिए? मैं निकाल के देता हूं। एंड द ऑस्कर फॉर बेस्ट एक्टर गोल्स टू स्ट्रॉन्ग रोल वाली आयाना द ग्रेट, एंड सपोर्टिंग एक्टर गोल्स टू खान बाबा। सपोर्टिंग एक्टर, हमें लगा था कि हम ना मेन विलन को पहचान ही नहीं पाएंगे, पर देखिए मेन विलन तो हमारे सामने खड़ा है। डॉकी फ्रॉम समवेयर, ये सब नाटक करना था तो हमें बता तो देते। सॉरी, अभी मम्मी का हार्ट फेल हो जाता तो। बेबी मनहूस बातें करवा लो बेबी से, बस मैं तुझे बता रही थी। तो तारों की बारिश वाली रात में ही मार देना चाहिए था मुझे। तुम्हें जिंदा छोड़कर तुमने बहुत बड़ी गलती की और वो मैं आज सुधारूंगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ अयाना। लाल चांद की लाल रोशनी से भरे ये पत्थर लाल चांद की तरह किसी भी जिन को कमजोर कर सकते हैं। सही कहा आपने, हमने सिफ्रिति जिन को पहचाना नहीं। हम सिफ्रिति जिन के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि लाल चांद की रोशनी से हर जिन कमजोर पड़ जाता है। जाल बिछाने से पहले एक बार ये तो सोच लेना चाहिए था कि जाल में मछलियां फंसती हैं मगर मच्छ नहीं। परेशान थे कि ये सोहा है कौन, और अगर सोहा जिन है तो इस घर में आए क्यों, इसको क्या चाहिए। मगर इन्हें क्या पता कि सोहा सोहा नहीं बल्कि अमन की अपनी अम्मी परवीन है। परवीन, ये लाल पत्थर मुझे कमजोर कर रहे हैं। मैं ज्यादा देर तक सोहा की शक्ल में नहीं रह पाऊंगी। अमन और रोशनी को ये पता है कि अगर सोहा की हकीकत जाननी है तो उसे अकेले में बात करनी होगी।
सोहा नहीं बनी रह सकती, हर हालत में मुझे यहां से निकलना होगा। कौन? क्या तुम वाकई सोहा हो? अल्लाह नोज बेस्ट। ये तुम्हारी चीप विलन वाली स्माइल ना 2 मिनट में पंक्चर हो जाएगी। तुम ज्यादा देर इन लाल रूबीज में टिक नहीं पाओगी। इससे बेटर ये है कि एक डील कर लो। तुम हमें वो तलवार दे दो और हम तुम्हें यहां से जाने देंगे। ये अयाना, तुम्हारी बीवी बोलती बहुत है। तुम मेरी सास हो जो मैं तुम्हारे सामने चुपचाप शर्मीली टाइप की बन के खड़ी रहो? ये अयाना तुम्हारी मौत की वजह बनेगी अमन, और ये बात मैं सच करके दिखाऊंगी। खबरदार, जो मेरे खान बाबा के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो। ये बताओ तुम हो कौन? जाना होगा, उसको मेरी जरूरत है।